लोग की डिमांड पर हम आज इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन का, इसको आप समझ लीजिए। चित्रण द्वारा रिकर्सन के प्रत्येक चरण को समझें और रिकर्सन फंक्शन वर्क इन सी स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेशन। आपको हर स्टेप को हम अब पिक्चर में कैसे फंक्शन जा रहा है, कैसे उसका आउटपुट निकल रहा है बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फैक्टोरियल, जो हमने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन दोनों ले रखा है, आज इलस्ट्रेशन समझा रहे हैं। जब हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होता है। हमने आपको बताया था फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होता है तो इफ़ और एल्स दो कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन में वो चेक करेगा 4 = 0 तो 0 नहीं होगा तो एल्स पे आ जाएगा। यहाँ पर 4 × fact 4 − 1 करेगा। जैसे ही 4 fact 4 − 1 करेगा फैक्टोरियल 3 वैल्यू से कॉल हो जाएगा। 3 वैल्यू से जैसे ही कॉल होगा वहाँ फिर जाएगा तो फैक्ट 3 − 1 2 हो जाए तो फैक्ट 2 कॉल होगा। वहाँ फिर जाएगा फैक्ट 2 − 1 फैक्ट 1 को कॉल करेगा। फैक्ट 1 पर जाएगा तो फैक्ट 0 को कॉल करेगा। वहाँ पर फैक्ट 0 जैसे ही होगा, हमने पहले ही आपको बताया कि 0 या 1 होगा तो 1 रिटर्न होगा, तो 0 = 0 होगा तो रिटर्न 1 होगा। यहाँ रिटर्न 1 जब होगा तो 1 − 1 की कंडीशन पे यहाँ 1 रिटर्न हो जाएगा तो 1 × 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 रिटर्न होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, तो 2 रिटर्न होगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 रिटर्न होगा तो 4 × 6 हो जाएगा, दैट इज़ = 24। ये हम आपको थ्योरी पोर्शन में एक बार बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा कि समझ नहीं आया इसलिए फिर से बता रहे हैं। ये लीफो मेथड पे डिपेंड करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम किसी स्टैक में वैल्यू डालते हैं तो जो वैल्यू सबसे नीचे जाती है वो सबसे बाद में निकलती है। तो हमने पहले 4 3 2 1 इस तरह से स्टैक में वैल्यू डाली है। ये समझ लीजिए कोई ग्लास है, उसके अंदर आप बिस्कुट डाल रहे हैं तो उसमें सबसे बाद पहले जो बिस्कुट गया है वो सबसे बाद में निकलेगा। तो इसमें सबसे पहले 4 गया है, फिर 3 गया है, फिर 2 गया है, फिर 1 गया है। तो सबसे पहले 1 निकलेगा, 1 जब निकलेगा तो उसके बाद 2 निकलेगा तो 2 × 1 होगा, फिर 3 निकलेगा तो 3 × 2 हो जाएगा, फिर 4 निकलेगा तो 4 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 क्योंकि हो चुका था। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे फैक्ट 4 − 1 हुआ तो वो कहाँ गया, यहाँ पे 4 × 3 = 12 क्यों नहीं आया। तो उसका रीज़न यही है कि जैसे ही हम ये कहते हैं, हमने कहा रिकर्सन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपने को कॉल करता है। तो जैसे ही यहाँ पे 3 होता है तो अपने को फंक्शन कॉल करता है विद 3 वैल्यू, और तब तक करता रहता है जब तक कि फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और जैसे ही 0 होती है रिटर्न 1 होता है, फिर वो पीछे वाले फंक्शन में रिटर्न करता है, फिर वहाँ से फिर पीछे वाले फंक्शन में रिटर्न करता है, तब तक करता है जब तक कि फर्स्ट वाले फैक्टोरियल कॉल पे नहीं पहुँच पाता। इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन जो होता है अपने को कॉल करता है, और एंड में हमें वैल्यू 4 और 24 मिलेगी। 4 is for number and 24 is for factorial। इसी तरह से हम फिबोनाची सीरीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज बिजनेस सीरीज होती है जो सीक्वेंस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 है, जिसमें फर्स्ट 2 नंबर ऐड होकर 3rd नंबर आता है, फिर नेक्स्ट 2 नंबर जुड़ के 4th नंबर आता है, फिर नेक्स्ट 2 नंबर जुड़ के 5th नंबर आता है। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हमने कंडीशन पहले दे रखी है कि इफ n इक्वल्स टू 0 तो 0 रिटर्न करो, और इफ n इक्वल्स टू 1 या 2 है तो रिटर्न 1 करो। अब यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला है कि जो भी नंबर आया है उससे n माइनस 1 और n माइनस 2 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहली बार जब n माइनस 1 करेंगे हम फिबोल की सीरीज, पहली बार जब 2, हमने पहला तो मान ही लिया कि 0 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा, 2 पे भी 1 आएगा। जब हमारा 2 जाता है तो 1 क्यों आता है ये देखते हैं। फिबो में जब 2 − 1 और 2 − 2 करते हैं तो फिबो 1 आता है, फिबो 0 आता है। अब फिबो 0 की वैल्यू हमने 0 डिफाइन की है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिबो 1 की वैल्यू हमने 1 डिफाइन की है रिटर्न,
तो यहाँ पे 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम फीबो 3 जब कॉल करते हैं तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 होता है। फीबो 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 आई है और फीबो 1 की वैल्यू हमने डिफाइन किए कि 1 आएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 1 प्लस 1 2 आ गया, तो हमारा ये देखिए वैल्यू 2 है। अब 4 जब हम कॉल करते हैं तो 4 माइनस 1 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 4, फीबो 3 हमारा क्या आया था 2 आया था और फीबो 2 क्या आया था 1 आया था, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फीबो 5 माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 4 हमारा 3 आया था और 5 माइनस और फीबो 3 हमारा 2 आया था, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 6 कॉल किया तो फीबो 5 और फीबो 4 होगा। इस तरह से पीछे के दो वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे, तो फीबो 5 5 है और फीबो 4 3 है तो 8 हो जाएगा। अब फीबो 7 करेंगे तो फीबो 6 और फीबो 5 आएगा, फीबो 6 8 है और फीबो 5 5 है तो ये 13 हो जाएगा। इसी तरह 8 करेंगे हम तो वो फीबो 7 और फीबो 6 लेगा, फीबो 7 13 और फीबो 6 हमारा 8 है तो ये 21 हो जाएगा। फीबो 9 करेंगे तो फीबो 9 हमारा 8 हो जाएगा और फीबो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो 8 और 7 क्या होगा 8 में 21 और 7 में 13 है तो उसकी वैल्यू 34 हो जाएगी। इस तरह से ये फंक्शन अपने को बार बार कॉल करता जा रहा है और इसीलिए ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और उससे हमारी फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाती है। अगर आपने इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट सी ट्यूटोरियल में जाइए और वहाँ पर उसको देखिए, हमने पूरा प्रोग्राम सी में बना रखा और थ्योरी भी समझा रखी है। आप लोग के कहने पर ये इलस्ट्रेशन हमने बनाया है, आज तीसरी बार रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को और कम्युनिटी पर जाकर वीडियोज देखिए, प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल सी ट्यूटोरियल में, और आप अपने सोशल मीडिया लिंक को मेरे ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां आपको सपोर्ट मिलेगा और भी ट्यूटोरियल मिलेंगे। प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।